क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठ बोला था कि जनता उनके झूठ को जान गई, इसलिए 2019 में गठबंधन इतनी ज़्यादा सीटें जीतेगी जिसका अनुमान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नहीं है। जनता तैयारी कर रही है, हम लोग तो जनता से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, या जनता जो भूल चुकी है उसको हम लोग बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने दुख दिया है, दर्द दिया है इनको, इनको पीड़ा दी है, महंगाई दिया है, बेरोजगारी दी है, ये परेशान है, पीड़ित है, हम तो इनको बताने आए हैं कि भाई, इसलिए जनता हर जगह हम लोग जाते हैं, जनता पहले से ही तैयार बैठी है। मोदी का वादा तो आप जान ही रहे हैं, 15 लाख रुपए काला धन, यह ठीक उसी तरह वादा है। जहां तक 72,000 रुपए की बात कांग्रेस कर रही है तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रतिस्पर्धा लगाए हुए हैं। ये दोनों अब चाहते हैं कि हम, कांग्रेस भी चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे चल के, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं 25 लाख करोड़ भारत का बजट होता है, जिसमें 16 लाख करोड़ रुपया हमारा जो है विकास के ऊपर खर्चा होता है। अब ये अब क्या कह रहे हैं ये नहीं, लेकिन समाजवादियों ने जो वादा किया है, मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो या बहन मायावती हो, इन लोगों ने जो वादा किया है, चूँकि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। मुझे तो कुछ नहीं लगता है कौन चुनौती दे रहा है, या जनता हमारे साथ है। जिस गांव में जाता हूं, हर वर्ग के लोग, क्योंकि हम लोग प्रेम बांट रहे हैं, देश की एकता की अखंडता की बात करते हैं, हम सब लोग गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं, हम चाहते हैं आपसी सद्भाव प्रेम भाईचारा बना रहे, तो इस नाते सब लोग अब जान गए। लोग जातियों में बांटते हैं लोगों को, लेकिन हम जातियों में नहीं, हम एकता की डोर में सबको बांधने आए हैं, ताकि इनके अंदर खुशहाली हो, आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो।